हेलो स्टूडेंट्स, हमारे हिंदी के अभ्यासक्रम में आज हम लेसन नंबर 19 पढ़ेंगे। जो जो लेसन्स एग्ज़ाम में और आपके कोर्स में से डिडक्ट किए गए हैं, तो अभी के लिए वो लेसन्स हम बाकी रखेंगे। बाद में हमारे पास बहुत टाइम बचने वाला है, तो तब हम वो सारे लेसन्स पढ़ेंगे। पहले हम लेसन नंबर 19 जो आपके अभ्यासक्रम में है वो पढ़ेंगे। लेसन नंबर 19 का टाइटल है महाकवि कालिदास। अभी आप सबको पता ही है कि कालिदास जो थे वो कितने महान कवि माने गए हैं, लेकिन उनका बचपन कैसा था उसके विषय में और पूरा जीवन चरित्र और जीवन चित्रण यहाँ पे किया गया है। तो वो बचपन से ही इतने बुद्धिमान और ऐसे नहीं थे, उनको बचपन में मूर्ख का टाइटल दिया गया था। क्यों? क्योंकि वो हमेशा मूर्खतापूर्ण वर्तन करते थे। आपके लेसन में भी ये चीज़ बताई गई है और आपने शायद सुना भी होगा कि कालिदास के बारे में ऐसा कहा गया है कि वो जिस डाल पे बैठते थे ना, अभी आपको पता ही है कि पहले तो लकड़ियों से सारा काम चलता था, चूल्हा जलाना है या कुछ भी है, तो वो लकड़ियाँ काटने जाते थे। तो तब ऐसा होता था कि वो जिस डाल पे बैठते थे उसी डाल को वो काटते थे, तो इसीलिए सारे लोग देख के उनको मूर्ख का उपनाम दिया गया था उनको। तो स्टूडेंट्स, ऐसी कई सारी बातें हैं उनके बारे में, अच्छी बातें भी हैं कि कैसे उन्होंने विद्या प्राप्त की और बुद्धिमान बने। बहुत सारी ऐसी बातें हैं तो हम सारी बातें पढ़ेंगे। लेखक है नरपत बारहट, हड़वेचा। चलिए पढ़ते हैं उनके बारे में। पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लें। राजस्थानी संस्कृति के शोधकर्ता नरपत बारहट हड़वेचा ने एमए बीएड की उपाधि प्राप्त की है। जय नारायण विश्वविद्यालय जोधपुर से वे संलग्न हैं। उनकी विशेष रुचि काज लेखन में है। वे संस्कृति के प्रवाहों और प्रवाहों को समझने में प्रयत्नशील हैं। महापुरुषों को नमन करते हुए आपने लिखा है, जिन्होंने देश सेवा की खातिर अपना घर परिवार छोड़कर ऐशो आराम त्याग कर भूखे प्यासे नंगे पांव रहकर देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए सर्वस्व कुर्बान किया, वे वंदनीय हैं। बराबर, तभी तो हम आज़ादी की हवा में सांस ले पा रहे हैं। महापुरुषों की जीवनियां आपकी प्रसिद्धि कृति है। उनकी रुचि किस में है? महान ऐसे पुरुष जो है, महापुरुष, उनकी जीवनियां लिखने में। जीवनियां मतलब क्या? ऑटोबायोग्राफी। ओके, तो उनमें उनको खास कर इंटरेस्ट है, रुचि है। इस संग्रह में कुल 60 प्रसिद्ध महापुरुष को जीवन चरित्र अंकित है। बराबर, उनकी जो ये टाइटल वाली बुक है महापुरुषों की जीवनियाँ, उसमें 60 ऐसे वेल नोन पर्सन उनकी जीवन चरित्र अंकित किए उन्होंने लिखा है उनके बारे में। 60 ऐसे पर्सन हैं। प्रस्तुत जीवनी महाकवि कालिदास में कालिदास के जन्म और परिचय का एवं उनकी प्रसिद्धि साहित्यिक रचनाओं का विवरण है। बराबर, ये लेसन में क्या दिया गया है? तो महाकवि कालिदास के बारे में, उनसे उनके बचपन से लेकर उन्होंने कैसी प्रसिद्धि हासिल की, साहित्य में कैसी प्रसिद्धि हासिल की, ये सारी चीज़ों में के बारे में लिखा गया है। इस कृति से हम यह संदेश मिलता है हमें कि किसी बच्चे को बुद्धू मानना नहीं चाहिए, क्योंकि वह मौका मिलते ही हीरे की तरह चमक सकता है। मतलब कोई ऐसा बच्चा हो जिसका बचपन में खेलने कूदने पे ज़्यादा मन हो, तो हमें ऐसा अजम्पशन नहीं बनाना चाहिए हमारे दिमाग में कि वो मूर्ख ही रहेगा हमेशा। ऐसा ज़रूरी नहीं है, बड़ा हो के वो बहुत अच्छी तरह से बुद्धिशाली भी बन सकता है। ठीक है,
चलिए अभी हम लेसन पढ़ना शुरू करते हैं। सी स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने बात की, यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये कवि कालिदास हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे वो पेड़ पे बैठे हुए हैं और कैसे वो जिस डाल पे बैठे हुए हैं उसी डाल को काट रहे हैं, और पीछे से उनको ऐसे आवाज़ें दे रहे हैं लोग कि आप जिस पे बैठे हो वो डाल काटोगे तो आप गिर पड़ोगे। लेकिन वो वैसे ही थे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आपने जान लिया कि कैसे है कालिदास की चित्र के बारे में और वे कैसे थे, वो भी आपने जान लिया। तो चलिए हम शुरू करते हैं लेसन पढ़ना। लेखक कहते हैं, कालिदास को हम मात्र संस्कृत के महाकवि के रूप में जानते हैं। स्वयं महाकवि कालिदास ने अपने विषय में कुछ नहीं लिखा है। हर्षचरित के शुरू में कविबाण ने कालिदास का उल्लेख किया है। ये एक बहुत ही पुराना एक ग्रंथ है हर्षचरित। उसमें कविबाण, ये कवि का नाम है, ठीक है, उन्होंने किसके बारे में लिखा है, कालिदास के बारे में। इससे पता चलता है कि कालिदास बाण से पहले हुए हैं, मतलब वो जो कवि बाण है वही बहुत ही प्राचीन काल में जन्मे हुए हैं। तो महाकवि कालिदास तो उनसे भी पहले जन्मे हुए हैं, ऐसा हम मान सकते हैं। एक स्थान पर स्वयं कालिदास ने अपने अभिभावक के रूप में विक्रम नाम का उल्लेख किया है। यहाँ पे जो विक्रम नाम आपको बताया गया है, ये वो विक्रम है जिससे कि हिंदू ग्रंथ में विक्रम संवत चलता है। और इसे विक्रमादित्य, जो राजा विक्रमादित्य थे ना, आपको पता ही होगा, तो वो विक्रमादित्य का यहाँ पे विवरण किया है, यहाँ पे उनका महत्व बताया है। तो हम जैसे जैसे लेसन पढ़ेंगे विक्रम, राजा विक्रम के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा बता रहे हैं कि कालिदास ने विक्रम राजा के बारे में भी लिखा हुआ है अपने ग्रंथ में। वह कौन सा विक्रम है, इस बात का अभी पूरी तरह से पता नहीं चला है। फिर भी उन्हीं राजा विक्रमादित्य की और भोज की, राजा विक्रमादित्य और राजा भोज, उनका समकालीन मानकर कितनी ही कथाओं का नायक बनाया गया है। समकालीन मतलब एक ही समय में, एक ही इरा में वो लोग जन्मे हैं, ठीक है, एक ही इरा में। इरा मतलब पता है ना आपको कि एक ही समय में जन्मे हुए। आगे देखिए, विभिन्न भाषाओं में, पहेलियों और लोक कथाओं में उनकी विद्वता, कविता और चमत्कारिक प्रसंगों का वर्णन मिलता है। चलिए अभी कालिदास के जन्म और परिचय के बारे में पढ़ते हैं। कुछ विद्वानों ने कालिदास का जन्म 365 ईस्वी सन 365 तथा निधन 445 ईस्वी सन माने 445 माना है। महाकवि कालिदास के जन्म स्थान के बारे में ठीक ठीक पता नहीं चलता। कुछ विद्वानों ने उनका जन्म स्थान उज्जैनी, उज्जैनी मतलब कौन सा, अभी का जो उज्जैन है, यहाँ पे आपको बताया गया है, देखिए कि वर्तमान का उज्जैन, ठीक है, माना है, जो सही लगता है क्योंकि मेघदूत में स्वयं कवि ने उज्जैनी को विशेष दर्शनीय कहा है। मेघदूत एक उनका ग्रंथ है, उसमें उन्होंने उज्जैनी मतलब उज्जैन की बात की है। तो ये सही हो सकता है कि उनका जन्म 365 में उज्जैन में ही हुआ हो, उसको विशेष दर्शनीय कहा है। और लंबा रास्ता पड़ने पर भी उधर से जाने के लिए बादल से अनुरोध किया है। उज्जैनी में उन दिनों राजा विक्रमादित्य का राज्य था, जैसे कि हमने बात की कि उस समय किसका राज्य था, राजा विक्रमादित्य का। वहाँ की प्रजा सब प्रकार से सुखी थी। वहाँ की प्रजा कैसी थी, एकदम सुखी समृद्ध। साहित्य और कला की उन्नति चरम सीमा पर पहुँच चुकी थी। साहित्य और कला, ठीक है, नृत्य कला है और हस्तकला मतलब हाथों से कई चीज़ें, मिट्टी के बर्तन हैं या भरत गुथन है, सारा कुछ बहुत अच्छी तरह से कर रहे थे सारे लोग वहाँ पे। राजा विक्रमादित्य ने अपने नाम से ही विक्रम संवत चलाया था।
जैसे हमने बात की ना कि राजा विक्रमादित्य ने अपने नाम से क्या चलाया था, विक्रम संवत चलाया था, ठीक है। समय समय पर उन्होंने सोने के जो सिक्के चलवाए थे उनसे उनके राज्यकाल का ठीक ठीक पता चलता था। समय समय पे वो अपने राज्य में सोने के सिक्के बनवाते थे कि उससे पता चलता है कि वे राजा कितने महान है, कितने बुद्धिशाली है और कितने समृद्ध है। उनसे उनके राज्यकाल का ठीक ठीक पता चलता है। विक्रमादित्य के शासनकाल में जितना वैभव देश में था, जितनी साहित्य तथा कला की उन्नति हुई, उनकी उतनी कभी भी नहीं हुई, ठीक है। उनके शासनकाल में, मतलब उनका शासनकाल मतलब क्या कि जितने साल उन्होंने राज्य किया, ठीक है, तो उतने वर्ष तक उस राज्य की जितनी समृद्धि हुई, जितना वैभव बढ़ा, उतना कभी भी नहीं बढ़ा है। एक से बढ़कर एक कवि, साहित्यकार और वैज्ञानिक इस युग में उत्पन्न हुए। राजा विक्रमादित्य स्वयं साहित्य और संगीत के अच्छे जानकार थे। उस समय में एक से बढ़कर एक, मतलब चुनिंदा चुनिंदा बहुत ही अच्छे अच्छे साहित्यकार और वैज्ञानिक, तभी भी साइंटिस्ट तो थे ही ना, तो इतने अच्छे अच्छे साइंटिस्ट और साहित्यकार जन्मे थे और उभर के आए थे। और राजा विक्रमादित्य जो थे वो स्वयं भी इतने अच्छे संगीत के जानकार थे, साहित्य के जानकार थे। संस्कृत भाषा की उन्नति भी इसी काल में ही अधिक हुई। हमें पता है कि संस्कृत भाषा बहुत सारी भाषाओं का बेस है, ठीक है, तो तभी संस्कृत भाषा की भी बहुत सारी उन्नति हुई है। अपने पूर्व जीवन में बुद्धू माने जाने वाले कालिदास विक्रमादित्य के दरबारी कवियों में सर्वश्रेष्ठ थे। देखिए स्टूडेंट्स, अपने बुद्धू जीवन में बुद्धू माने जाने वाले कालिदास, जैसे कि हमने बात की ना कि कालिदास को शुरुआत में बचपन में कैसे माना गया था, एकदम बुद्धू, वे कालिदास विक्रमादित्य के दरबारियों में कौन से थे? सर्वश्रेष्ठ, ठीक है। कालिदास के अतिरिक्त 8 और कवि भी दरबार में थे जो नवरत्न कहलाते थे। बहुत सारे राजा अपने दरबार में नवरत्न को रखते थे, तो कालिदास के अलावा विक्रमादित्य के राज्य में और 8 बहुत ही चुनिंदा ऐसे व्यक्ति थे जो जिससे मिलकर 8 वे और एक कालिदास मिलके 9 रत्न ऐसे, रत्न मतलब ज्वल बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो बहुत ही चुनिंदा ऐसे अच्छे वाले लोग वहाँ पे थे। कालिदास के विषय में कहा जाता है कि वे युवावस्था तक निरक्षर थे। निरक्षर माने क्या? जिसको कुछ भी पढ़ना लिखना नहीं आता है, जिसको अक्षर ज्ञान नहीं है वो, ठीक है, जिस डाल पर बैठते उसे ही काटते थे। उनके बारे में क्या कहा गया है कि वे जिस डाल पर बैठते थे उसी को काटते थे। वो तो हमने अभी मैंने आपको पिक्चर दिखाया, आगे उसमें आपको बताया कि कैसे वे जिस डाल पर बैठे हुए हैं उसी को काट रहे हैं। देखिए आपको दिखाई दे ही रहा है यहाँ पे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड के पिक्चर में कि वो जिस डाल पर बैठे हैं वहाँ पर ही वो ही डाल काट रहे हैं। तो निरक्षर होने पर भी वह इतने विद्वान और महाकवि किस तरह बन गए, इसकी भी एक बड़ी विचित्र और रोचक कहानी है। वो इतने निरक्षर थे तो भी इतने विद्वान और महान कैसे बन गए, उसकी भी एक विचित्र कहानी है, ऐसा यहाँ पे लेखक बता रहे हैं। उन दिनों शारदानंद नाम के एक राजा थे। कौन से नाम के राजा थे? शारदानंद, ठीक है। उनकी एक गुणवती और विद्वान पुत्री थी जिसका नाम क्या था? विद्योत्तमा नाम था उनकी पुत्री का। वह बहुत ही सुंदर और रूपवती भी थी। वो कैसी थी? एकदम ब्यूटीफुल और सुंदर दिखने वाली। उसके रूप गुण और ज्ञान की प्रशंसा दूर दूर के देशों तक फैली हुई है। विद्योत्तमा को अपने रूप गुण और ज्ञान का बड़ा घमंड था। उसको पता था कि वो कितनी ब्यूटीफुल है, कितने नॉलेजेबल है, तो उसको उस चीज़ का बड़ा घमंड था। अपने विवाह के संबंध में उसने एक घोषणा कर रखी थी,
उसकी शादी की एज हुई तो उसने एक अनाउंसमेंट की कि जो उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा उसी के साथ वह अपना विवाह करेगी। क्या उसने अनाउंसमेंट की कि उसको जो शास्त्रार्थ में, मतलब वो इतनी नॉलेजेबल थी कि उसके सामने इतना नॉलेजेबल पर्सन कोई आएगा और उसे हरा पाएगा तो ही वो ऐसे ही पर्सन के साथ शादी करेगी। तो स्टूडेंट्स, आज के पीरियड में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट पीरियड में हमारा आगे का लेसन पढ़ेंगे। तब तक आप लेसन थोड़ा अपने नॉलेज के लिए पढ़ना, हम आगे का लेसन बाद में समझेंगे। थैंक यू सो मच।